बहुत दिन हो गए मुझे किसी किताब का रिव्यू बनाए। आजकल हम लोगों की बुक सीरीज चल रही है, तो एक छोटी सी किताब बहुत दिन पहले मैंने पढ़ी थी, काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी साल हो गए इनफैक्ट, जब मैंने जनोगा पढ़ा। और जब मैंने जनोगा पढ़ने के बाद मेरी लाइफ में चेंज आना शुरू हुआ, तो मेरे एक फ्रेंड हैं, वही कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में हम दोनों बैठे बात कर रहे थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको लगता है कि आपकी लाइफ जनोगा पढ़ने से इंप्रूव हुई? मैंने कहा हाँ। बोलते फिर मेरे पास भी एक किताब है जिसको पढ़ने से मेरी लाइफ इंप्रूव हुई। मैंने पूछा कौन सी, तो उन्होंने इस किताब का नाम लिया सिद्धार्थ। हरमन हेस ने लिखा है इसको, छोटी सी पतली सी बुक है, मुश्किल से 150-200 पेज की बुक है। मैंने अभी होली में अनिल को गिफ्ट किया था कि आप इसको प्लीज़ पढ़िएगा। बड़ी ताजुब की चीज़ पता है क्या है, जो हम लोग बायोग्राफी पढ़ना चाहते हैं गौतम बुद्ध की, वो अपने आप में मास्टरपीस है। वो तो मैं पढ़ूंगा ही, मेरा प्लान है कि मैं उनकी कंप्लीट बायोग्राफी कवर करूंगा। लेकिन उस समय जब मैंने इसको खोला तो मुझे लगा शायद बायोग्राफी होगी, सिद्धार्थ मतलब गौतम बुद्ध हैं, उनके पहले का नाम सिद्धार्थ है, बस इसमें एक जो कैरेक्टर है सिद्धार्थ वो एक अलग आदमी है, जो उन्हीं के टाइम, सो गौतम बुद्ध के टाइम ही इमेजिनरी आदमी है, जो हरमन हेस ने एक इमेजिनेशन में नॉवल लिखा है। वो आदमी ब्राह्मण फैमिली में रहता था, सिद्धार्थ तो क्षत्रिय परिवार से थे, ये ब्राह्मण फैमिली से था, जिसको कि एनलाइटमेंट पाने के लिए घर बार छोड़ करके गया, जैसे बुद्ध गए थे ठीक वैसे ही। और फिर उसने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, बुद्ध से थोड़ा अलग है इनफैक्ट। फिर उनके कैरेक्टर ने, सिद्धार्थ ने एक बार गौतम बुद्ध के साथ भी मिला था, तो उनके साथ क्या मीटिंग हुई, बातचीत क्या हुई, उससे इसको इसने क्या सीखा, फिर फाइनली अल्टीमेटली इनको क्या एनलाइटमेंट का जो भी एक्सपीरियंस आया, बहुत अच्छे से, बहुत ही सुंदर तरीके से इसमें उसमें लिखा है। मुश्किल से 150-200 पेज की, 200 पेज भी नहीं है, मुश्किल से 125 पेज की बुक होगी, और पढ़ने वाला जो इंग्लिश पढ़ लेता है वो एक आदमी एकदम ही ख़त्म कर देगा इस नावल को। इतनी पतली से नावल के लिए हरमन हेस को नोबेल प्राइज़ मिला है। कैन यू बिलीव, एक बड़ी खास बात है, जो लोग इस बुक को अभी नहीं पढ़ पाएंगे या नहीं खरीद सकते, वो इसी नाम की मूवी देख सकते हैं। उसको सिद्धार्थ का रोल पता है किसने प्ले किया है, शशि कपूर ने, जो हमारे पिछले साल उनका देहांत हुआ ना, बहुत मज़ा आएगा आपको। पेरेंट्स के साथ मत देखिएगा, उसमें बहुत खास सीन है जो इंटीमेट सीन है सेक्सुअल टाइप का, तो अकेले देखिएगा, नहीं तो पेरेंट्स डंडा मार के भगा देंगे कमरे में से। बट इट्स अ फंटास्टिक मूवी, बट बुक इज मार्वलस, आप इसको ज़रूर देखिएगा। 125 रुपये की किताब है। थैंक यू दोस्तों, हमारी प्लेलिस्ट में जो बुक सीरीज़ है उसको हमको हटाना पड़ रहा है, बिकॉज़ बहुत सी कंपनीज़ हैं जो कि बुक्स लिखती हैं, वो चाहती हैं कि उनकी बुक्स को हम इस तरह से पब्लिक में रीड ना करें। लेकिन आपको अगर ये पूरी की पूरी बुक सीरीज़ पढ़नी है, समझनी है, तो हमारे साथ प्राइम मेंबर बन जाइए, तो उसमें हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं पूरी की पूरी बुक सीरीज़। और अगर आप में से किसी को भी पर्सनली मुझसे गाइडेंस चाहिए, मुझसे हेल्प चाहिए, तो जनोगा बेसिक कोर्स ज़रूर ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच।